नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम फोरम 2023 के बारे में। जी हाँ, नोटिस आ गया है। आपके सवाल थे कि कितनी फीस होने वाली है, कैसे कैसे फॉर्म भरना है, और रिजल्ट जिनका आया नहीं है उसके फॉर्म का क्या प्रोसेस रहेगा। हालांकि दो दिन पहले मैंने वीडियो डाला था तो ये कहा था कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो रिजल्ट है उनमें समय लगेगा, 15 तक आ जाने चाहिए, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नोटिस आया है जो रिजल्ट है उसमें अभी लगेगा समय। तो जिसका भी रिवेल का रिजल्ट अभी पेंडिंग है या फिर किसी का और कोई रिजल्ट अभी पेंडिंग है तो उसके लिए क्या करना है, आपको अगली क्लास का फॉर्म लगाना है। रिजल्ट आते रहेंगे बाद में, ऐसा नोटिस आया तो उसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा, काफी इंक्वायरी थी इसको लेकर भी। ध्यान रखिए, कुछ सवाल आपके हो सकते हैं। एक प्रमोट सर्टिफिकेट यहाँ पे रद्द कर दिया गया है, कौन से ईयर का प्रमोट सर्टिफिकेट किन किन विद्यार्थियों के लिए रद्द हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के लिए नोटिस है उसके बारे में बात करेंगे, और आपकी फीस कितने वो होने वाली है एग्जाम फॉरम की, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा सवाल है कि फीस कितनी लेके जाए हम मित्र पर जाए तब, तो उसके लिए क्या है, सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहे, सवाल आप देख रहे होंगे यहाँ पर, जितने भी सवाल है आपके, जिसका एडमिशन नहीं हुआ उसका फॉरम कैसे भरा जाएगा इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ध्यान रहे, वीडियो में आप अंत तक बने रहे, तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो बात करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम फॉरम 2023। जी हाँ, थोड़े दिनों पहले एक वीडियो डाला था, रेगुलर, नॉन और एक्स, तीनों के फॉरम शुरू हो गए हैं। 9 नवंबर 2022 से आपके फॉरम शुरू हो जाएंगे। अंतिम तिथि क्या है, 24 नवंबर। ध्यान रहे, 9 नवंबर से फॉरम चालू है और 24 नवंबर तक आपके फॉरम भरे जाएंगे, ऐसा यूनिवर्सिटी ने कहा। नोटिस आपने देखा, आप देख सकते हैं फिर से नोटिस यहां पर। लेकिन अब फॉरम भरने के बाद में सवाल बहुत है, इन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्नातक प्रथम वर्ष फर्स्ट ईयर वालों के लिए जो नोटिस हो सकता है इसको मैं समझाता हूं अलग से, और पीजी प्रीवियस वालों के लिए। देखो, यूजी पार्ट फर्स्ट, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए जो भी हैं, जिनका भी एडमिशन हो चुका है रेगुलर, नॉन और एक्स विद्यार्थी जो है। एक्स स्टूडेंट कौन होता है, जो फेल हो जाता है और उसी सब्जेक्ट को दोबारा से पढ़ना चाहता है, वो हो गया, उसी क्लास को पढ़ना चाहता है, तो वो हो गया एक्स स्टूडेंट। और नॉन कॉलेज, जो एडमिशन नहीं होता है कॉलेज में, एडमिशन होता है वो होता है नॉन कॉलेज, डिस्टेंस के रूप में आपका कॉलेज से दूर अगर फॉरम लगाना चाहते हैं तो वो हो गया डिस्टेंस फॉरम, जिसका एडमिशन रेगुलर के रूप में नहीं हो पाता है और वो अगर डिग्री करना चाहते हैं तो वो होता है नॉन कॉलेज। बात करें रेगुलर, जिसका किसी कॉलेज में एडमिशन है, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, रेगुलर विद्यार्थी के रूप में एडमिशन है, वो हो गया रेगुलर। तो इसमें क्या है, जो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं, अब राजस्थान यूनिवर्सिटी की साइट पर जब फॉरम भरने जाएंगे तो उसमें क्या आएगा, आपको फॉरम कैसे भरा जाएगा, उसके लिए चाहिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर। तो रजिस्ट्रेशन नंबर सभी विद्यार्थियों का कॉलेज अलॉट कर देता है, और ये आपको मतलब ऐसा नहीं है कि हर विद्यार्थी को अलग अलग विद्यार्थियों को बुला बुला कैसे दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको केवल मित्र जाना है, राजस्थान यूनिवर्सिटी की साइट पर जाएंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जब आप मित्र वाले के पास जाएंगे तो आपको खुद निकाल के दे देगा। वो कैसे निकलता है, आपके नाम, पापा का नाम और मम्मी का नाम से आपके यहाँ पे निकलता है, ये ध्यान रखें। तो ये तीनों चीजें आपके लिए वहां पे चाहिएंगे, उसके हिसाब से आपके कॉलेज के हिसाब से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर निकल जाता है। जिसका नहीं निकलता है उसको क्या करना है, देखो जिस काफी लोगों का नहीं निकलता है क्योंकि उसका जो कॉलेज है वो डाटा ऑनलाइन करने में काफी समय लगा देता है तो इसलिए निकलता नहीं है, लेकिन सभी का निकल जाएगा क्योंकि फर्स्ट ईयर के एडमिशन काफी समय से चल रहे थे और लगभग लगभग यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करते हैं पीजी प्रीवियस वालों की। तो पीजी प्रीवियस वालों को क्या समस्या आ रही है कि अभी तो इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, फीस जमा हो रही है, तो भैया क्या करना है, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए, फीस जमा करवाइए, इसके बाद में आएगी फाइनल एडमिशन, जो लिस्ट आएगी फाइनल एडमिटेड लिस्ट, उसके बाद में आपके रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएंगे आपको, वो आपको कॉलेज है जो ऑनलाइन कर देगा, उसके बाद में आपको देखने को मिल जाएंगे। आप सर्च कर सकते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी साइट पर, आपको देखने को मिलेंगे। आपको सीधा से करना है राजस्थान यूनिवर्सिटी साइट पर, एग्जाम फॉर्म जहां से भरा जाता है वहां से फॉर्म भरना है, वहीं से रजिस्ट्रेशन नंबर निकल जाएगा, सारी चीजें वहीं से निकल जाएंगी, नेम वगैरह सब नेम के हिसाब से निकल जाता है डिटेल सारी, ध्यान रहे। तो ये हो गया स्नातक प्रथम वर्ष और पीजी प्रीवियस वालों का। अब बात करते हैं सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और पीजी फाइनल वालों का फॉरम कैसे लगेगा। तो आपको केवल अपनी पिछली कक्षा का रोल नंबर लगाना है, राजस्थान यूनिवर्सिटी की साइट पर जाएंगे तो उसी हिसाब से आपका सारा डाटा ओपन हो जाता है। ध्यान रखना, आपका ही डाटा निकलेगा आपके रोल नंबर से, अगर किसी का उल्टा दूसरे किसी का निकलता है तो ध्यान रहे आप चेक करेंगे उसको, राजस्थान यूनिवर्सिटी से संपर्क करेंगे। हालांकि जिसका रोल नंबर है उसी का डाटा निकलता है, कई विद्यार्थियों के ऐसा हो जाता है, पहले हो चुका है काफी बार कि डाटा कई बार शो नहीं करता रोल नंबर होने के बावजूद भी, कई बार रिजल्ट का भी इशू रहता है तो निकल जाता है, लेकिन ये ध्यान रखें। तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और पीजी फाइनल के जिसका रिजल्ट नहीं आया है उसका भी फॉरम लगेगा, ये ध्यान रखें, मैं समझाने वाला हूं इसको भी। प्रमोट सर्टिफिकेट रद्द, अब देखो जिसका भी 2020 में जो विद्यार्थी प्रमोट हुए थे, 2020 में जो विद्यार्थी फर्स्ट ईयर में प्रमोट हुए थे उसमें से अब सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे प्रमोट सर्टिफिकेट रद्द नहीं किया गया, उसमें क्या सभी को मार्कशीट पहुंचा दी गई है, जिसने अगले एग्जाम फॉरम भरे नंबर के साथ में मार्कशीट आई है, ध्यान रखें उनके नंबर भी दिए गए, एवरेज जो नंबर आते हैं फर्स्ट ईयर के, जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर के हिसाब से एवरेज नंबर उनको मार्कशीट में दे दिए हैं,
लेकिन 2020 में जो प्रमोट हुए थे और उसके बाद में किसी विद्यार्थी ने एग्जाम फॉरम भरा ही नहीं है, 2021 का, 2022 का सेकेंड ईयर और फाइनल का फॉरम भरा ही नहीं है एग्जाम फॉरम, तो उसको यहाँ पे 2020 का जो प्रमोट सर्टिफिकेट है वो रद्द कर दिया गया है, यानी कि उसको वापस से फर्स्ट ईयर करनी पड़ेगी क्योंकि उसने उसके बाद में एग्जाम फॉरम भरा ही नहीं है। तो उसको यहाँ पे कोई समस्या मतलब कि ऐसी होनी नहीं चाहिए कि आपको सेकंड ईयर का भरेंगे थर्ड ईयर का भरेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप 2020 में प्रमोट हुए थे और अब आपने उसके बाद में एग्जाम फॉर्म कोई भी नहीं भराया 2021-22 में, तो ध्यान रहे आप प्रमोट सर्टिफिकेट रद्द कर दिया जाता है और फर्स्ट ईयर में आप वापस हो गए हैं, ये ध्यान रखें। अब आते हैं बात बिना रिजल्ट फॉरम को लेकर। जी काफी रिजल्ट राजस्थान यूनिवर्सिटी के पेंडिंग है और सबसे ज्यादा सवाल, सभी ज्यादा इंतजार इसी चीजों का किया जा रहा है विद्यार्थियों के द्वारा कि रिजल्ट कब आएगा, फोरम का नोटिस आ गया, राजस्थान यूनिवर्सिटी क्या चाहती है, विद्यार्थी बहुत ज्यादा कंफ्यूज है और हमारे लिए भी सवाल खड़ा हो जाता है कि हम क्या बताएं आपको। तो देखो, दो दिन पहले मैंने बोला था कि बिना रिजल्ट भी आप फोरम नहीं लगा पाएंगे, ऐसा मैंने बोला था और उसमें क्या कहा गया था, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है कि रिजल्ट की डेट बढ़ती जाती है जब तक रिजल्ट नहीं आता। लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी ने इसका भी नया तोड़ निकाला इस बार कि क्या किया गया कि जब तक रिजल्ट नहीं आता उससे पहले भी आप फॉरम लगाओ। जैसे थोड़े समय पहले देखा होगा रेगुलर जो विद्यार्थी होते हैं उनका एडमिशन फीस, उनके अगली क्लास की एग्जाम हुई उसके रिजल्ट आया उससे पहले एडमिशन फीस जमा करवा ली थी, ये एडमिशन की जो फीस होती है वो उन्होंने जमा करवा ली थी कि अगली क्लास अगर फेल हो गए तो आपको रिटर्न कर देंगे, ऐसा कहा गया था और काफी विद्यार्थियों ने जमा भी करवाई। तो ऐसा ही यहाँ पे कहा गया कि एग्जाम फॉरम भी वैसे ही लगाइए जब तक रिजल्ट नहीं आता। अगर रिजल्ट आने के बाद में अगर आप कहीं फेल हो जाते हैं, नोटिस आप पढ़ लेंगे, नोटिस मैं आपको समझा रहा हूँ, नोटिस दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पर, ये ध्यान रखें। तो इसमें साफ कहा गया कि अगर रिवेल्यूशन रिजल्ट में आप फेल हो जाते हैं, पास नहीं होते हैं या फिर रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ध्यान रखें आप तो अगली क्लास का फॉरम तो भी लगाएंगे। मान लो किसी ने फर्स्ट ईयर का रिवेल का लगा रखा है, कोई फेल है विद्यार्थी उसमें और वो चाहता है कि वो सेकंड ईयर में हो जाए और रिवेल में रिजल्ट में उसमें फैला आ गया, लेकिन उसने एग्जाम फॉरम यहाँ पे सेकंड ईयर का भरवा रही है राजस्थान यूनिवर्सिटी कि आप सेकंड ईयर का फॉरम भर दो। तो अब सेकंड ईयर का जब फॉरम भरेंगे रिवेल रिजल्ट से पहले, अगर रिजल्ट आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं भर पाते हैं कि रिवेल का रिजल्ट लेट हो रहा है आने में, तो आप इसी समय में आप फॉरम भरें। तो इसी समय में फॉरम भरने के बाद में क्या होगा, अगर आप फेल हो गए तो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने आपको ऑप्शन दिया है कि अगर फेल होने के बाद में आपने फॉरम तो सेकंड ईयर का भराया लेकिन उस कॉपी को आप बाद में, जैसे अभी तो हालांकि हार्ड कॉपी आपको जमा करवानी है, लेकिन बाद में क्या करना है, अगर आप फेल हो गए तो उस हार्ड कॉपी को आप ध्यान रखें प्रिंट निकल जाता है फॉरम का, उसको राजस्थान यूनिवर्सिटी जाएंगे और अपनी फीस परिवर्तन करवाएंगे और अपनी कक्षा भी परिवर्तन करवा लेंगे, ऐसा मौका राजस्थान यूनिवर्सिटी ने दिया है। पर फॉर्मा एक पूरा आता है इसका फॉरम भरने का, उसको बाद में मतलब जैसे रिजल्ट बाद में परिवर्तित होता है, तो अभी क्या करना है आपको अगली क्लास का फॉरम भरना है। ध्यान रहे किसी भी कक्षा का हो, चाहे एमएससी प्रीवियस का हो, एमए प्रीवियस का हो, रिवेल का पेंडिंग है और आप एमए फाइनल या एमएससी अगली क्लास का फॉरम भर देंगे, तो उसमें अगर आपका रिजल्ट परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि रिवेल का रिजल्ट में आप पास नहीं हुए या फिर जो भी है आपका रिवेल का रिजल्ट, तो ध्यान रखें उसमें परिवर्तन नहीं होता है तो आपको बाद में उसमें संशोधन का समय दिया जाएगा और ध्यान रखें अपनी पिछली कक्षा की, अपनी पिछली कक्षा का ये फॉरम उसमें एडिट कर दिया जाएगा, उसके लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी में ही प्रोसेस होगा ऐसा कहा गया है। और आपकी फीस जो कम ज्यादा जो होगी, मान लो सेकेंड ईयर की फीस आपके कोई ज्यादा ले रहे हैं, कोई फाइनल की फीस ज्यादा ले रहे हैं अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी, तो अगर फर्स्ट ईयर की फीस कम है तो आपको रिटर्न कर दी जाएगी या फिर कम है फीस आपकी तो ज्यादा दे दी जाएगी, ये ध्यान रखें आपसे ले ली जाएगी, ऐसा भी कहा गया है, नोटिस आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो रिवेल का रिजल्ट जिसका भी पेंडिंग है वो भी फॉरम लगा सकते हैं अगली कक्षा का, ये ध्यान रहे निष्कर्ष यही निकलता है। नॉन कॉलेज का नोटिस इंपॉर्टेंट है, नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के लिए मैं बहुत ज्यादा नोटिस देता रहता हूँ क्योंकि नॉन कॉलेज विद्यार्थियों को ध्यान नहीं होता है कि उनका नोटिस कब आता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी की साइट खोल नहीं पाते हैं, नोटिस कहाँ से निकलते हैं ये चीज भी नहीं देख पाते, तो ध्यान रहे नॉन कॉलेज विद्यार्थी एग्जाम फॉरम लगाएं। नॉन कॉलेज कोई भी करना चाहता है कैसा भी कोर्स राजस्थान यूनिवर्सिटी से, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी की साइड से करवाए जाते हैं, तो ध्यान रहे आपको एग्जाम फॉरम लगाना है और एग्जाम फॉरम की हार्ड कॉपी को अगले दो दिन के अंदर आपको जमा करवाना है जिस कॉलेज आप चुनेंगे, जिस कॉलेज में आप सेंटर चाहते हैं उस कॉलेज को आप चुनेंगे, उसी में आपका वहां पे एग्जाम फॉरम जमा हो जाएगा। ये रेगुलर का भी यही है, एक्स स्टूडेंट का भी है और नॉन कॉलेज का भी। अब रेगुलर तो जिसका भी जिस कॉलेज में एडमिशन है उसी में फॉरम जमा होगा, एक्स स्टूडेंट का जिस कॉलेज से आप फेल हुए हैं उसी में जमा होगा, और नॉन कॉलेज विद्यार्थी कोई भी कॉलेज चुन सकते हैं, उस कॉलेज में आपको हार्ड कॉपी जमा करवानी पड़ेगी, ये चीज आप ध्यान रखें। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही नोटिस है कि अगर आपके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो ध्यान रहे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए आपको अलग से फीस जमा करवानी होती है, एग्जाम फॉर्म के थोड़े ही दिनों बाद में प्रैक्टिकल फीस जमा करवाने का नोटिस आएगा, ध्यान रखे उसको आपको जमा करवाना है, ये विशेष रूप से कहा गया है। यूजी की जो फीस होती है वो प्रैक्टिकल पर प्रैक्टिकल आपकी 1000 रुपये फीस होती है और पीजी की 2000 रुपये प्रैक्टिकल फीस होती है, और यूजी में जो साइंस के स्टूडेंट है बीएससी वाले पर प्रैक्टिकल उनकी 1500 रुपये फीस होती है, ये ध्यान रखें। इसको लेकर अलग से वीडियो जब नोटिस आएगा मैं आपको पूरा डिटेल से समझा दूंगा, पिछले सेशन के वीडियो भी मेरे डाले हुए हैं इसको लेकर, तो प्रैक्टिकल फीस को लेकर आपको समझ में आ जाएंगे। तो ध्यान रहे नॉन कॉलेज विद्यार्थी जिसके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिकल फीस जमा करवाएंगे, अलग से नोटिस आएगा उसका,
ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बहुत से विद्यार्थी एग्जाम फॉर्म भर देते हैं बस, इमित्र वालों को भी काफी पता नहीं है, काफी विद्यार्थियों की गलती ऐसी हुई है इमित्र वालों की वजह से। ध्यान रखें, नॉन कॉलेज विद्यार्थी खुद से सचेत रहें, कोई गलती ना करें। फीस कितनी है, अब सवाल है कि फीस कितनी है। तो देखो यहाँ पे नोटिस आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, इसमें साफ कहा गया है कि जो 2023 की जो एग्जाम फॉरम फीस है इसमें 10% वृद्धि की जाती है 2022 के जो फीस थी उससे लेके। तो 2022 में जो फीस थी उससे 10% आपकी फीस बढ़ा दी गई है, ये ध्यान रखें। अब फीस देखो यहाँ पे बहुत से अलग अलग क्राइटेरिया है, बीएड का भी है, एलएलबी का है, फर्स्ट ईयर का है, बीएससी का, नॉन कॉलेज, सीबीएसई, आरबीएससी, अलग अलग आपको देखने को मिल रहा है। तो सिंपल सी बात है, फीस कैसे पता करते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के साइट पे जब हम जाते हैं तो अपना फॉर्म जब लगाएंगे, अपना डाटा निकालेंगे तो उसमें फीस प्रोसेस आ जाता है कि इतनी फीस आपकी लगने वाली, सिंपल सा तो ये। अब काफी विद्यार्थियों का एनरोलमेंट अलग अलग होता है, तो मैं बता दूं किसी को भाई आपकी 2500 फीस है और वहां पे एनरोलमेंट उसका पुराना ही है तो उसकी फीस फिर बढ़ जाती है। नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के ध्यान रखिए 4000 से नीचे किसी की फीस नहीं है, ऐसा नोटिस में है, आप देख सकते हैं नॉन कॉलेज की फीस भी, ध्यान रखें। नॉन कॉलेज की तो 4000 से नीचे तो बिल्कुल फीस हो ही नहीं सकती, और पीजी की, नॉन कॉलेज की फीस यही है, और यूजी की जो रेगुलर विद्यार्थी है उसकी 2000 के आसपास फीस है, एक्स स्टूडेंट उसकी 2500 के आसपास फीस है, ये ध्यान रखें। ऐसा फीस का शेड्यूल है। अब उसमें अलग अलग चीजें हैं वो आपको अलग से समझाएंगे, जैसे आपको मैं पीडीएफ अवेलेबल करवा देता हूँ, पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा ही रखा है। उसमें क्या देखना है, अगर आप सीबीएसई से हैं तो सीबीएसई इफ ऑलरेडी एनरोलमेंट अदर बोर्ड आ गया उसमें उसमें देखेंगे, रेगुलर नॉन, ऐसे मतलब कि सेक्शन बने हुए हैं रेगुलर नॉन एक्स, तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है इफ ऑलरेडी एनरोलमेंट, अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी से आपने पहले भी फॉर्म भरा हुआ है तो वो फीस लगेगी, राजस्थान यूनिवर्सिटी से पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो वो फीस लगेगी, अलग फीस है। और किसी का ड्यू पेपर है, किसी का एक ड्यू फर्स्ट ईयर का पेपर है तो लिखा है ड्यू पार्ट फर्स्ट, किसी का सेकंड ईयर ड्यू है तो ड्यू पार्ट सेकंड, किसी का फर्स्ट ईयर और सेकंड के ड्यू चल रहे हैं तो ड्यू पार्ट फर्स्ट और सेकंड, ऐसे लिखा आएगा। और बीएड और एलएलबी उसके अलग अलग कक्षा के हिसाब से अलग अलग, और बाकी सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्सेज की अलग अलग फीस यहाँ पे दी हुई है, आप देख सकते हैं पीडीएफ के माध्यम से, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अब देखो राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम फॉरम से संबंधित जितने भी सवाल हो सकते हैं जो आपको जरूरी है वो सारे मैंने बता दिए। अब काफी सवाल ऐसे हैं कि हमने 5 साल में डिग्री कंप्लीट करनी थी वो नहीं हो पाई है, इसको लेके मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा, आपको समझा दूंगा बहुत अच्छे तरीके से कि कौन कौन कितने समय में डिग्री कंप्लीट कर सकता है। कोई 2019 से पहले का विद्यार्थी है तो उसके लिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने नोटिस दे दिया है कि आप वापस से करेंगे, 2019 से पहले वालों को, 16 वालों को, ऐसे यहाँ पे नोटिस आया, उसको हम डिटेल से समझेंगे, उसका मतलब पीडीएफ तो मैंने अवेलेबल करवा दिया टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, उसको डिटेल से मैं समझाने वाला हूँ अगले एक दो दिन में, वीडियो उसको लेके आ जाऊंगा। तो ध्यान रहे आने वाले समय में राजस्थान यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई भी अपडेट्स आप तक समय से पहुंचे, इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल कठपुतली एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और इससे संबंधित कोई सवाल रह गया तो चैनल पर कमेंट करेंगे या फिर हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप जुड़ जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एग्जाम फॉरम शुरू है, सभी कक्षाओं के फॉरम शुरू हो गए, रिवेल के रिजल्ट जिसका पेंडिंग है उसके भी राजस्थान यूनिवर्सिटी ने कह दिया है कि फॉरम लगाओ अगली क्लास का, रिवेल का रिजल्ट आने में देरी होगी क्योंकि बहुत से रिजल्ट बाकी हैं, पीजी के सभी सब्जेक्ट के रिजल्ट बाकी हैं, अभी बीए का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट बाकी है, सेकंड ईयर का बाकी है, बहुत से रिजल्ट बाकी हैं रिवेल के, बीए फाइनल का रिजल्ट पेंडिंग चल रहा है अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो बहुत से रिजल्ट बाकी हैं, आप तो अगली कक्षा का फॉरम लगाएं। ध्यान रहे आने वाले समय जो भी अपडेट होंगे आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, थैंक यू।